ये मैं घेर में जा रहा हूँ चाचा जी की ओर, तो रास्ते में फिलहाल रास्ता तो लंबा है थोड़ा, एक दिन आपको दिखाऊंगा कितना रास्ता बैठता है। ए नंदो कहाँ रही तू? लेकिन ये अम्मी जी बढ़ रही गगन भी लेटा है, गगन भी आया है, बोरी है और नंदू खड़क उतार रही है, रुक उतार रही है। क्या देख रहा भाई, क्या देख रहा है? एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड? एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड। अच्छा आ जाओ, क्या देख रहे हैं? मेरे पास हो गए वीडियो। अरे भाई ले जी चार बार। हाँ जी करियो नंदू। हेलो जी नंदू जी। हेलो जी कैसे हो आप सब? नंदू 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 कौन है बोतल में जीव काट रही भैया की ओर? हेलो जी कैसे हो? ठीक है, इधर गगन जी काट रहे हैं तो इधर नंदनी काट रही है। आज नंदू नंदू अरे नंदू ए नंदू देख ध्यान से देख रही है, देख गगन बैठा उधर जी है। जीव ले नंदू ले ए नंदू मेरे पास ए नंदे देखे गगन कैसे देख रही है। बाय कर दे, अच्छा हो जा रहा भैया, बाय कर दे, बाय बाय गगन, बाय बाय बाय। हाँ खिड़की हो देखो, बाय गगन देखवा दिया, बाय गगन। अरे देख कैसे देख रही है जा रहा भैया और मैं भी चल, बस 10 बज चुके हैं तो घर चलने की तैयारी हो चुकी है। गुड नाइट कर दो। क्या कर गया टॉयलेट? दवाई तरह लगाई कुछ? अभी कहाँ ली दवाई? लेने ले ली दवाई। क्या कह रहे हैं एंजल्स होगी? नो टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और यहाँ पर अंधेरे में टीवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? माशा एंड द बेयर। कौन देखे आप? और आप भी देख रहे हैं? उधर देख रहे हैं, देख लो। बाय गुड नाइट। ओके देखिए बुआ जी आज ने कुछ बनाया है मिठाई, आप भी खा लीजिए। माँ ने बनाई है? माँ आपने बनाई? तेरे बुआ के लिए रोज है पिट्ठे किलो है कद्दू की? कद्दू किलो की अच्छी वाली। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। हेलो दोस्तों, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे।
तो देखिए अभी पूजा पाठ की है और पूजा यहाँ पर देखिए अपना कार्य कर रही है और पूजा जो है आज सिलाई कर रही है। देखिए जो सूट चाची जानी देखे और नया सूट लाई थी, ये तो दो तीन सूट सिल रहे हैं पूजा, तो सिल जाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तो सीट सिल रही है पूजा, देखिए अपने आप ही सिल रही यार। और भी है, ये है कि सिलाई रखा और भी पुराना आयो नहीं सिलाता हूँ, पहला दिवाली का होली का पहला भी एक बार यो नहीं पहन भी लेती हूँ यो कह रहा मैं ये सिलागा क्या अच्छे सूट नहीं आए तो दो तीन सूट हो गए हैं अब तो कपड़ों की जरूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा हो रहा है कल से तो इसलिए बोला भी नहीं जा रहा, पूजा से सही बात भी नहीं हो पा रही, बहुत कपड़ों की तय कर रहे हैं तो पूजा सिलाई कर रहे हैं उधर धोने लगे हुए अपने कार्यों में। खाना बन चुका है पूजा, खाना बन चुका है, क्या बनाया आज? आलू टमाटर बनाया पूजा ने आज, सवा दस बज चुके हैं। हाँ भाई चेर कितनी देर में लाऊंगा, और देखे ड्यूटी के समय 3:30 के आसपास इतनी तेज बारिश होती, बहुत ज्यादा तेज। चेरे लेने चलती है और गगन जो है पैदल ही चेरी लेने के लिए गया है, और गगन जो है पैदल ही चेरी लेने गया है। घर से चेरी का खेत है 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जागन चेरी लेने गया है। और आप देख सकते हैं खेतों में कैसे जा रहा है, डोली डोली जा रहा है खेतों की, कितना घास हो रहा है, कितना कुबाड़ खड़ा है खेत में बराबर में। डरते बचते चलना पड़ता है क्योंकि सांप सिलिंडे केंचुए कुछ भी आ सकते हैं सामने और उनसे बचना होता है, और बरसात में तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो गगन देखे यहाँ पर चेरी लेने आया है और हमारे पास खेत नहीं है और हम जो है मेल की चेरी खाते हैं किसान से लेकर 8 बीघा 1.5 बीघा चेरी खा देते हैं, और चेरी का रेट भी आसमान छूता है, यहाँ पर 6-7 हज़ार रुपये बीघा होती है। और बहुत कमेंट आती रहती है गगन और अंकित कुछ नहीं करते, तो देख सकते हैं आप गगन कितना हार्ड काम करता है, मेरे से भी हार्ड काम करता है, चेरी लाना फिर काटना पशुओं को डालना। खेत पर पहुंच चुका है तो यहाँ से हमने चेरी लिया है, तो यहाँ चेरी काट रहा है। चेरी यानी कि जवार जवार गगन ने काट दी है, तो इसको बांधने का नंबर आ चुका है भैया, तो इसको बांधने के लिए थोड़ी बारीक जवार लेनी पड़ेगी और उससे ये जवार बांधेगा, और गगन ने जवार बांध दिया है देख सकते हैं आप। तो जैसे सड़क पे ले जाएगा मेन रोड पर, वहाँ से किसी की बुग्गी में रखेगा और फिर घर ले जाएगा। और खेत का रास्ता आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है, रिपटन भी है, तो संभल कर जाना पड़ेगा,
क्योंकि पैर ही पट गया तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। गगन ने चेरी खड़ी कर लिया है, इसको कंधे पर डालकर ले जाएगा इसको। तो देखिए रात को बरसात होने नहीं दे रही, अभी वो इधर लौट रहे हैं और 12 बज चुके हैं। तो गगन लाइट जलाने के लिए आया है, बिजली भाग चुकी है और इन्वर्टर जलाएगा, तो इन्वर्टर जल चुका है। तो पंखा बंद कर दो, हमारा भी ठंड लग जाएगी, इनमें जुकाम हो रहा मुझे, वो भी ये तो बंद कर देते। देखिए कितनी तेज बारिश पड़ रही है, दिखाई लाइट है। देखिए पानी इधर भी आ चुका है और मैं दादी को इधर लौट रहे हैं मशीन के पास ही। देखिए और क्या करना था ऊपर से लाइट जलाने के लिए। और समय 12 बजने में 10 मिनट है और मैं रिप्लाई कर रहा था आपके कमेंट की, और बारिश कम से कम आधा घंटा हो चुका पड़ रही है और बार बार पैरों पर जा लगती है। देखिए कितना पानी भर चुका है और घास ही भीग चुका है हमारा। छठा सातवां दिन आज सावन का, लेकिन बरसात कम होने का नाम ले रही। और देखिए बिजली भी चमक रही है। साथ ही साथ बादल भी गरज रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।